जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था बीएड के डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, कि बीएड में हम डायरेक्ट एडमिशन किस तरीके से लें, यदि हम बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आ सकती है, कहां पर हमें एडमिशन लेना चाहिए, कहां पर नहीं लेना चाहिए, कितनी फीस में एडमिशन हो जाता है, एडमिशन लेने का सही तरीका क्या है, क्या हमारी डिग्री वैलिड होगी, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सबका इस वीडियो में सॉल्यूशन होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, बीएड के डायरेक्ट एडमिशन को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो साथियों, बीएड में यदि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, यानी कि यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसमें कुछ सीटें माइनॉरिटी की होती हैं, यानी कि जिस पर वो डायरेक्ट एडमिशन कराती हैं कुछ कॉलेज के लिए, या तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, यानी कि आप फिर डायरेक्ट जाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाकर एडमिशन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि उनके पास एनसीटीई का अप्रूवल तो है, लेकिन उनके पास 100 सीट हैं और एडमिशन उन्होंने 200, 500 और 1000 बच्चे उसमें से निकाले हुए उसी सेशन में, तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम आती है। यदि यूनिवर्सिटी अच्छी है, अच्छी ब्रांड है और वहां पर ये सब सारी चीजें नहीं चलती हैं, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फिर बीएड कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, यदि आप चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वहां से बीएड करना डायरेक्ट, तो उसके लिए फिर क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, आज हम बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में यदि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है माइनॉरिटी की सीट पर, तो आप ले सकते हैं, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करती है कि आप डायरेक्ट बीएड के लिए एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन उन कॉलेजों में एडमिशन होगा जिन कॉलेजों में माइनॉरिटी की सीट होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है उसमें मुश्किल से 10 से 15 कॉलेज ऐसे हैं जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड कॉलेज हैं, ज्यादा कॉलेज नहीं है माइनॉरिटी के, उनमें सीट भी बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए वो कॉलेज क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले ही एडमिशन ले लेते हैं, यानी कि जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएड में, तो बच्चे पहले ही वो फुल कर लेते हैं एडमिशन, पहले ही एडमिशन वो बच्चे से पहले ही एडमिशन ले लेते हैं, यानी कि जब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में तब तक वो एडमिशन कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता वहां पर कि आपकी मेरिट लगेगी, जब तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे तब तक एडमिशन आपके वहां पर जो कॉलेज में सीट खाली होगी, तो ऐसा नहीं होता है, वो पहले ही एडमिशन कर लेते हैं। तो इसमें बेटर ये रहता है कि आप चेक करके कि कौन कौन से कॉलेज माइनॉरिटी के हैं वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो इसमें जो फीस आपकी जाती है, तो फीस के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं जाता है। जो आपकी फीस है 51,250 रुपए गवर्नमेंट की, वही फीस जाती है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर की जो फीस है आपकी 30,000 वही सेकेंड ईयर में जाती है। इसके अलावा जो आपके एग्जामिनेशन फीस है वो सभी जगह अलग होती है, एग्जामिनेशन फीस हो गया, प्रैक्टिकल फीस, वो सभी जगह अलग हो गया। इसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपकी इस फीस में अपना छूट कर देते हैं 10,000, 15,000, 5,000, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं। तो साथ ही यदि आपको भी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, दिल्ली एनसीआर में लेना है, मेरठ में लेना है, यानी कि सीसीएच यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, तो फिर आपको जो कॉलेज है वो सजेस्ट कर दिए जाएंगे, बहुत कम फीस पर आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। तो यदि आप बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको पूरी सपोर्ट जो मेरी टीम की तरफ से आपको मिलने वाली है।
अब इससे आगे बात करें कि जो हमारी जो डिग्री है, जो हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे, जो हम डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, तो क्या इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो साथियों, जो आप बीएड करते हैं माइनॉरिटी के थ्रू, पूरी 100% वैल्यू होती है। जैसे आप काउंसलिंग के थ्रू लेंगे एडमिशन, तो भी आपकी इतनी ही वैल्यू है, और यदि आपने माइनॉरिटी के थ्रू किया है तब भी आपकी इतनी ही वैल्यू है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं होता कि आपने माइनॉरिटी से किया है या फिर आपने काउंसलिंग के थ्रू किया है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है, बच्चे ने मेरे से एक कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि यदि सर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, यानी कि माइनॉरिटी में एडमिशन लेते हैं, तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, माइनॉरिटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो साथियों, आपको सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि यानी कि जो आपको बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना है वो किस तरीके से लेना है। डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वही सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है, वही पूरा कोर्स कंटेंट होता है, वही सब सारी चीजें, वही ऐप पे जब एग्जाम आपके जो काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, उन्हीं के एग्जाम जब एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो उन्हीं के साथ में आपके माइनॉरिटी के भी एग्जाम कराए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ साथियों, मैं आपको एक एडवाइस जरूर करूंगा, यदि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द आप अपना एडमिशन कन्फर्म करा लीजिए, क्योंकि जो इसकी सीट है माइनॉरिटी की, बहुत कम सीट होती है और बहुत जल्दी फिल हो जाती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।